चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर परिवहन निगम उत्तर प्रदेश सरकार का सफेद हाथी साबित होता जा रहा है। परिवहन निगम के बीड़ में जहां एक ओर बसों की भारी कमी है, तो वहीं दूसरी ओर लंबी स्लीपर बसों का अब तक ना होना सीधे तौर पर निजी बस संचालकों को लाभ पहुंचाने जैसा है, जिस पर काम करने से MD परिवहन निगम अब तक सफल नहीं हो सके हैं। निगम के नुकसान को मुनाफे में बदलने की और निगम MD सिर्फ चिंतन ही करते नजर आए हैं, और जब भी इनसे मिलने की बात की जाए तो यह मीडिया से दूरी बनाते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। परिवहन निगम यात्रियों को सुविधा देने के नाम पर सिर्फ मोटा किराया वसूलने का काम कर रहा है। निजी बस लखनऊ से दिल्ली तक के AC बस का सफर 1100 रुपए किराया लेती है, जबकि परिवहन निगम इसके लिए 1500 रुपए चार्ज करती है। इसी के चलते यात्री परिवहन निगम की बस की जगह निजी बस को ज्यादा महत्व देते हैं। इसका भारी नुकसान परिवहन निगम को झेलना पड़ता है। किराया ज्यादा, सुविधाएं कम, ये है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। जब इनके डायरेक्टर से बात की जाती है तो ये नदारद होते हैं, ऑफिस में मिलते नहीं हैं। लेकिन आम जनता का इसमें क्या दोष है, जो परिवहन निगम की सेवाओं का यूज कर रहे हैं, जो लोग दूर दराज से आते हैं, किसी को इलाज कराना होता है, किसी को अपने घर जाना होता है, वो सिर्फ वेटिंग में लगे रहते हैं। और परिवहन निगम में इतना यानी किराया जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ये पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। हम नहीं कह रहे कहाँ से आए हैं, हम उतरौला जिला बलरामपुर से आए हैं। हम 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं, हमको साधन कोई नहीं मिल रहा है। क्यों, आपने टिकट लिया है, बसें यहाँ पे अवेलेबल हैं? बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। क्या बता रहे जो अधिकारी लोग हैं, पूछने जाओ तो कुछ सही जवाब हमको मिलता ही नहीं उनसे। हम बच्चों के लेकर 4 घंटे से खड़े यहाँ पे, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पैसेंजर को बहुत असुविधा हो रही है। जब भी जाइए इंक्वायरी पे तो बोल रहे हैं इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, कुछ मतलब सही से जवाब नहीं दे रही। और किराया जिस तरह से आप लोगों को लिया जा रहा है, उसके बाद में क्या वो सुविधाएं मूलभूत मिल पा रही है? कुछ नहीं, सुविधा कुछ ही नहीं, फैसिलिटी कुछ ही नहीं, साफ ना सफाई कुछ नहीं है, ना पानी के बाथरूम जाइए और पैसा मांगते हैं वहाँ पे, बिजली बस स्टाफ के अंदर जाइए वहाँ पैसा देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को मिलता है, जिसमें RM साहब की अगर बात करें, ARM साहब की कोई बात नहीं, लेकिन RM साहब की अगर बात करें तो वो पुंडीर साहब हैं, वो कई बार यहाँ पर उनसे जब मिलने की बात कही जाती है तो वो मिलते भी नहीं हैं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, न्यूज़ लखनऊ। वही परिवहन निगम के MD की कार्य कुशलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी पैसों से खरीदी गई बसें धूल फांक रही है। यात्री न मिलने के कारण इनके संचालन को ठप करना पड़ा। वही निजी बसें धड़ल्ले से काम कम किराए से संचालित हो रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं। लखनऊ से MK न्यूज के लिए शशांक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किराया ज्यादा, सुविधाएं कम, ये है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार जो बसों का बेड़ा है वो उसका पुरसा हाल जानने वाला कोई नहीं है। भले ही परिवहन निगम में लगातार करोड़ों रुपए का बजट आता हो, लेकिन यात्री सुविधाओं की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं अभी भी अछूती है। कैबिनेट में जो फैसले होते हैं उसमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि परिवहन विभाग में लगातार बड़ी सुविधाएँ दी जा रही हैं, लेकिन वास्तविक हालात क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या हालात है, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में कि सुविधाएं के नाम पर 0 है परिवहन निगम और किराए के नाम पर नंबर 1 है। यानी साफ तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि किराया ज़्यादा और सुविधाएं कम, ये है उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज़ लखनऊ।